don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बॉलीवुड में तीन खान का हमेशा ही जलवा रहा है, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का नाम शामिल है। तीनों स्टार्स की भले ही अब कम फिल्में रिलीज होती हो, लेकिन कमाई के मामले में वो आज भी अधिकतर बॉलीवुड स्टार्स से ऊपर है। शाहरुख और आमिर की तो इस साल एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी कमाई हैरान कर देने वाली है। बता दें कि हाल ही में फोर्ब्स ने भारत के टॉप 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें सेलेब्स की 2019 की कमाई का खुलासा भी किया गया है। फोर्ब्स के इस लिस्ट के अनुसार अगर तीनों खान की कमाई को जोड़ दिया जाए तो वो रकम होगी 438 करोड़ रुपए, यानी तीनों खान ने मिलकर एक साल में 438 करोड़ रुपए की कमाई की है। ऐसे में जानते हैं कि कौन सा खान है सबसे आगे। सलमान खान। फोर्ब्स के अनुसार सलमान खान ने 229.25 करोड़ रुपए की कमाई की है और वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, जबकि 2018 में सलमान ने 253 करोड़ रुपए और 2017 में 232 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शाहरुख खान। अगर शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान की एक फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 124 करोड़ रुपए की कमाई की है। 2018 में उनकी कमाई 56 करोड़ रुपए थी और 2017 में 170 करोड़ रुपए कमाई। आमिर खान। इस लिस्ट में आमिर खान का नाम 15वें स्थान पर है। इस साल आमिर ने 85 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि पिछले साल आमिर की इनकम 97.5 करोड़ रुपए थी। ऐसे में इस लिस्ट में सलमान पहले स्थान पर और शाहरुख दूसरे और आमिर तीसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।